हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, फिट पार्ट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आज जो है वो हमज़ा भाई के सेटअप में आए हुए हैं। माशाल्लाह हमज़ा भाई ने काफ़ी इस दफ़ा जो है वो वैरायटी रखी है और वैरायटी आपको दिखाएंगे वीडियो में। रिंगनेक की काफ़ी वैरायटी है इनके पास और सन किन्नौर की वैरायटी है, लॉरी की वैरायटी है, ग्रे पैरेट वगैरह हैं। तो आपको रंग बिरंगी तोते नज़र आएंगे इस दफ़ा, ठीक है। तो हमज़ा भाई से पूछते हैं कि कौन कौन से इनके पास पैरेट हैं आज और क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या प्राइस वगैरह है और मुनासिब रेट पे। वाली साम जैसे अल्लाह का शुक्र, आपने पहले ही पक्का कर दिया है मुनासिब रेट पे। बिल्कुल हम यही लगाते हैं कि मुनासिब रेट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बताएं क्या क्या दिखाएंगे सर आज? सर हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिंगनेक की वैरायटी है, जो रिंगनेक की हाई म्यूटेशन है जो मोस्ट डिमांडिंग चल रही है आजकल, क्लियर टेल वगैरह उसमें मिल जाएंगे। कुछ फेलो का एक आधा जोड़ा है, कोकाटूज हैं, अमेजोन्स हैं और सन किन्नौर हैं और ग्रीन चीक किन्नौर हैं, पाइनएप्पल वगैरह की जो पूरी फैमिली है। इसमें ग्रीन चीक की जो आजकल हाई म्यूटेशंस चल रही हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिमांड में और बहुत अच्छे ट्रेंडिंग में है और मुस्तकबिल में उनकी एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म गेम है, वो हमारे पास हैं। लॉरी किड्स के अंदर अच्छी अच्छी म्यूटेशंस हैं, कुछ रेयर चीज़ें हैं लॉरी किड्स के अंदर, एलेक्जेंड्राइंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ है। इंशाल्लाह चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा दें सारी चीज़ें। जी जी सर, ये कौन सा है? सर ये ब्लैक विंग लोरी। अच्छा, ये बहुत रेयर लोरी है, ब्लैक शोल्डर भी कहलाती है। जैसे ब्लैक विंग बजीज आती है, जैसे ब्लैक विंग बजीज आती है बिल्कुल उसी तरह ये लोरी किट है और ये नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया है और इंडोनेशिया है, ये वहाँ से आती है। ये बहुत रेयर लोरी है, ब्लैक शोल्डर कह लें या ब्लैक विंग कह लें ये एक ही बात है। क्या पैसे? ये 2.5 लाख रुपये का पेयर है। अच्छा, भी 2.5 लाख जी। ये इसमें हमारे पास 3 पेयर्स हैं जो ब्लैक विंग टू ब्लैक विंग है, इसमें 2 ब्रीडर हैं, 1 नॉन ब्रीडर है, लेकिन वो भी बॉन्डेड पेयर है, वो चल जाएगा। वो ये ब्रीडर है, ये दोनों शुरू के जो 2 पेयर हैं ये दोनों ब्रीडर हैं। ये भी ब्रीडर है माशाल्लाह। जी हाँ, जी सर ये कौन सा है? सर इसमें ब्लैक विंग लोरी किट की फीमेल है और रेड एंड ब्लू लोरी किट है उसका मेल है। अच्छा, ब्लैक विंग की फीमेल है और रेड एंड ब्लू का मेल है। ये भी बहुत खूबसूरत लोरी है, रेड एंड ब्लू अब तो बहुत नायाब है, गिनती के चंद पीस ही है पाकिस्तान में, गिनती के चंद पीस, हार्डली मेरा ख्याल है 10 पीस होंगे पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, ये बिल्कुल ईजिली ब्रीड हो जाता है यहाँ पे, ईजिली ब्रीड हो जाता है, आम लोरी की तरह ब्रीड हो जाता है, जिसमें रेड लोरी वगैरह ब्रीड करता है ये बिल्कुल आम की तरह ब्रीड हो जाता है यहाँ पे। इसके भी वही डिमांड है? जी हाँ बिल्कुल, ये भी 2.5 लाख रुपए का है, लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई रेड एंड ब्लू का पीस लेना चाहेगा तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। जी हाँ, ये रेड एंड ब्लू का जो पेयर है इट सेल्फ वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपये का है, जो एडल्ट पेयर है, मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल, अगर मेल फीमेल रेड एंड ब्लू होंगे। ये बताएं सर? सर ये भी रेड एंड ब्लू का, इसके अंदर मेल है और ब्लैक विंग की फीमेल है, ये हमारे पास 2 पेयर हैं इस तरह के। जी सर ये बताइएगा? सर ये क्वैकर पैरेट्स हैं, ब्लू मॉन्क वगैरह कहलाते हैं ये। अच्छा। जी हाँ, ये हमारे पास इसके 3 से 4 पेयर मौजूद हैं, ये सब बड़े पेयर हैं, रेडी टू ब्रीड पेयर है। बेसिकली मेरे पास तो ब्रीडर करके आए हैं, लेकिन बहरहाल मैं ब्रीडर करके नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास तो ब्रीडर करके आए हुए हैं ये। क्या पैसे मांग रहे हैं? ये 35,000 का पेयर मिल जाएगा। 35,000? जी हाँ, ब्लू मॉन्क पैरेट। कितने पेयर हैं आपके पास टोटल? ये 4 पेयर हैं गालिबन। अच्छा, 4 पेयर हैं। मेल फीमेल कंफर्म है? ये मेल फीमेल है, DNA के साथ हैं। जी सर बताएं। सर ये सन किन्नौर के हमारे पास 5 पेयर हैं। अच्छा। और जिसमें 4 ब्रीडर हैं, 1 नॉन ब्रीडर है। 4 ब्रीडर हैं, 1 नॉन ब्रीडर पेयर है। क्या पैसे मांग रहे हैं? ये 80,000 रुपये का पेयर मिल जाएगा। 80,000 रुपये? जी हाँ। सन किन्नौर, एज कितनी है इनकी? ये तकरीबन 3-3 साल के हैं, कोई 3 साल का होगा, कोई 4 साल का भी होगा, 4.5 साल का भी होगा। कितने साल में मैच्योर हो जाते हैं ये? अराउंड 2 साल में हो जाते हैं। 2 साल में, मतलब ये ब्रीड के काबिल है आराम से।
ये ब्रीड करते हुए हैं जोड़े इसमें है। एक जोड़ा जो है वो अभी रेडी हो रहा है खाली, वो नॉन ब्रीडर है, लेकिन बाकी सब तो ब्रीड करते हुए हैं। जी सर ये बताइएगा ये कौन सी लोरी है? सर ये स्विंसन लोरी के पेयर हैं। अच्छा। ये फर्स्ट टाइमर पेयर हैं सारे, तकरीबन कोई ढाई ढाई साल सवा दो साल के हो गए ये। अच्छा जी बिल्कुल, ये रेडी टू ब्रीड बड़े पेयर हैं। बड़े पेयर है, क्या पैसे इनके? सर ये 70,000 रुपये का बिल्कुल फाइनल मिलेगा। 70,000 बिल्कुल 70 फाइनल। अच्छा DNA क्या हुआ? ये DNA के साथ DNA इनके हुए हैं, मेल फीमेल है, लेकिन बहरहाल इसका DNA पुराना देख लूँगा मैं, निकल आएंगे कार्ड्स वगैरह भी, लेकिन DNA हुए हैं। ये कौन सी लोरी है? एक छोटी लोरी ये ऑर्नेट लोरी है, इसमें एक पीस स्विंसन लोरी का है, एक ऑर्नेट है। अच्छा ये बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। जी हाँ ये बहुत रेयर लोरी है, ये आज से कोई 8-10 साल पहले इंडोनेशिया से आया करती थी, लेकिन अब तो नहीं आती, काफ़ी ज़माना हो गया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लोरी है, बहुत खूबसूरत लोरी है। इसके साथ जोड़ा लग जाता है ये लग तो लोरी की, इसका असल में सिलसिला ये आप इसको रेमबो से लगा दें, इसको किसी और लोरी की से लगा दें, सबसे लग जाते हैं। लोरी चाहिए, लोरी होता है तो वो लग जाता है, साइज़ में कंपेरेटिवली कोई बहुत बड़ा फ़र्क ना हो तो ये सब ब्रीड हो जाते हैं। हाइब्रिड बच्चे आते हैं लेकिन नया कलर निकलता है बिल्कुल। तो क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? ये 80,000 रुपये का पेयर है। 80,000 का? जी हाँ। अच्छा जी सर ये बताएं, ये भी वही लोरी है? जी हाँ बिल्कुल ये वही लोरी है, ये स्विंसन लोरी है और रेडी टू ब्रीड बड़ा पेयर है इसका। ये इनके बच्चे वगैरह जो है वो हैंड टाइम के लिए बिक जाते हैं आराम से? ये इसके बच्चे असल में हैंड टाइम भी हो जाते हैं, फ्लाई टाइम भी हो जाते हैं और ये टॉकिंग भी होता है। सही है, तो कितने का बच्चा बिक जाता है इसका? इस वक्त जो लास्ट मार्केट चली है वो अराउंड 19,000 से 20,000 रुपये का पिन फेदर बच्चा बिका है। जी हाँ, जैसे बड़ा बच्चा जैसे लेयर टू सेल्फ हो, फुल कवर्ड हो पूरा, ये 20 से 25 की रेंज के अंदर बिक जाता है। 20 से 25। जी अहमदा भाई ये बताइएगा सर, ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो ऑर्नेट लोरी के दो बच्चे हैं, मतलब बच्चे से मतलब तकरीबन वो कोई 8-8 महीने के हैं, ये यंग पेयर्स हैं सारे, इनके भी DNA हो गया, कुछ का रह गया कुछ का हो गया। तो जो ऑर्नेट हैं इसके अंदर स्विंसन है, इसके अंदर ऑलिव स्विंसन है, ये सब इस वक्त रेड कॉलर हैं इसमें, ये सब मिक्स हैं इस वक्त इसमें। तो क्या मतलब इनका जो है एज क्या है? ये तकरीबन 6-6 महीने के, 8-8 महीने के, सब मिक्स हैं। क्या पैसे रखे हैं इनके? ये 30,000 रुपये का पीस है इसके अंदर, मतलब 60,000 रुपये का पेयर। अभी मेल फीमेल का तो पता नहीं, मेल फीमेल का तक 2-3 दानों का DNA रह गया, बाकियों का DNA हो गया। इसमें रोजनबर्ग का भी एक पीस है, लेकिन बादल वो थोड़ा सा डिफेक्टेड है, वो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन और भी चीज़ें और बाकी सब माशाल्लाह से बिल्कुल फिट पार्ट है। जी सर ये बताइएगा कौन सा रिंग लगेगा? सर इसमें एक पूरा पेयर है ब्लू टर्कवाइस CHF का, मतलब क्लियर हेड फेलो ब्लू टर्कवाइस के अंदर मेल है और क्लियर हेड फेलो ब्लू की फीमेल है, ये पूरा पेयर है, और एक ब्लू वाइट हेड वाइट टेल का मेल है, एडल्ट मेल, रेडी टू ब्रीड मेल है, 2019 का है गालिबन, या 20 का है, 19 का है गालिबन। ये जो वाइट हेड वाइट टेल का मेल है ये 1,80,000 रुपये का, ये सब हॉलैंड ब्रांडेड है, ये हॉलैंड के बर्ड्स हैं और क्लोज ब्रांडेड रिंग हॉलैंड के डले हुए हैं इनको, कि बहुत अच्छी क्वालिटी में बर्ड है, बहुत ऊपर सुपर क्वालिटी में। नहीं माशाल्लाह इनकी जो है वो नज़र आ रही है, परों की चमक ही लग रही है बेहतरीन। जी जी, और तेल वगैरह सब बेहतरीन पूरी है। तो क्या पैसे वगैरह इसके? जो मेल है वो 1,80,000 रुपये का है और जो ये पूरा पेयर है ये 2,25,000 रुपये का है। विजुअल में तो वैसे नॉर्मल पारी के लग रहे हैं आपको, लेकिन ये लोटिनो स्प्लिट है दोनों, ये 100% लोटिनो स्प्लिट है, लोटिनो पहाड़ी के 100% स्प्लिट्स हैं ये दोनों, जो यंग पीस हैं ये दोनों मेल्स हैं। दोनों मेल है? जी हाँ। तो क्या पैसे हैं इनके? ये 4,80,000 रुपये का एक है। 4,80,000? जी हाँ। ये कन्फर्म 100% स्प्लिट टू लोटिनो है, इनको हम नॉर्मल ग्रीन के साथ भी पेयर अप करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली जो है वो लोटिनो की हैंड्स आ जाएंगी। डोमिनेंट होता है ये मेल जो होता है ना इसमें होता है, क्योंकि इसमें फीमेल जो है वो जो स्प्लिट नहीं होती, इनों के अंदर कोई भी फीमेल स्प्लिट नहीं होती। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल पहाड़ी से भी लगाएंगे तो हमारे पास येलो आएंगे इंशाल्लाह।
लाजिम आएंगे, लेकिन वो जो येलो आएंगे वो फीमेल्स होंगी, मेल नहीं होंगे। एज कितनी बताइए सर? ये अराउंड 4 से 5 महीने के दरमियान है। 4 से 5 महीने। सेल्फ है प्रॉपर खाते पीते? जी जी प्रॉपर सेल्फ है। जी हमजा भाई ये बताइएगा सर, ये वाइट हेड वाइट टेल वॉयलेट्स हैं हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, इसकी बहुत बहुत गुड्डी तेज है, ये मोस्ट डिमांडिंग आइटम है। ये हॉलैंड के रिंग बर्ड है, क्लोज बैंडेड रिंग है। अच्छा जी, और वाइट हेड वाइट टेल वॉलेट, डबल वेक्टर वॉलेट, वाइट हेड वाइट टेल। हाँ वॉलेट रिंग नेक तो वैसे ही पसंदीदा है सबका वॉलेट। जी हाँ, तो ये जोड़े हैं, ये पूरे जोड़े हैं हमारे पास, इसके तकरीबन 6 पेयर हैं। इसमें एक जो है वो टर्क्वाइस में है और बाकी 5 पेयर जो हैं वो वाइट हेड वाइट टेल, और ये सब बिल्कुल नए मेच्योर हुए हुए जोड़े हैं। मतलब ये जो भी भाई अपने पास इसको पेयर अप करते हैं ना, तो कम से कम आगे उनकी 10 से 12 साल की छुट्टी है, वो इजीली इसके पास ब्रीड लेते रहे। ये ऐसे नहीं है कि पुराने कोई जोड़े हैं, बिल्कुल नए फ्रेश जोड़े हैं। कोई 2020 का होगा, कोई 2019 का होगा, 3 साल में उमूमी तौर पर तैयार होता है। ये 7,60,000 रुपये का पेयर है। 7,60,000 जी जी सर, ये बताइएगा, ये वही जोड़े हैं जो मैंने आपको बताया ना हमारे पास, के वॉलेट वाइट हेड वाइट टेल के। अच्छा, कितने जोड़े टोटल है? ये टोटल 6 जोड़े हैं। अच्छा 6 जोड़े जी। सही, माशाल्लाह। तो इनका भी यही है रेट? जी बिल्कुल सेम प्राइस है। कितने साल के हैं ये? इसमें कुछ 2019-2020 के हैं सारे, इस तरह से आने वाले सीजन में ब्रीड करेंगे कन्फर्म। जी सब ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह, इनफर्टिलिटी का मतलब नहीं आएगा। फर्स्ट ब्रीड करेंगे। जी सर ये बताइएगा, बड़ा येलो है, येलो हेड वाला कौन सा है? ये क्रीम हेड क्रीम टेल कहलाता है, लेकिन बेसिकली वॉयलेट टर्क्वाइज है। ये वॉयलेट टर्क्वाइज क्लियर टेल का पेयर है पूरा एक, इसमें एक वाइट हेड वाइट टेल है और एक जो है वो क्रीम हेड क्रीम टेल, आप या वॉयलेट टर्क्वाइज क्लियर टेल कह सकते हैं आप। ये पूरा जोड़ा है, ये वाला जोड़ा जो है वो 8,25,000 रुपये का है। अच्छा, और जो दूसरे जोड़े हैं वो 7,60,000 रुपये के साथ। 8,25,000 और 7,60,000। जी सर, हमारे इंडिगो भी कहा जाता है इसको, इंडिगो वाले। बच्चे कैसे निकालते हैं? कि जैसा माँ बाप होंगे बिल्कुल वैसे ही बच्चे आएंगे। जी हमजा भाई ये बड़ी यूनिक चीज़ नज़र आ रही है माशाल्लाह सर, ये गोल्डन किन्योर्स हैं। गोल्डन किन्योर है? जी हाँ, ये किन्योर फैमिली है। ये तो बहुत बड़ा है किन्योर। जी हाँ, ये गोल्डन किन्योर है जी। एक ही कलर आता है इसमें गोल्डन कलर? जी जी एक ही, मैंने तो अब तक एक ही कलर देखा है। यहाँ कोई म्यूटेशन डेवलप हुई हो तो वो मेरे एल में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये गोल्डन की नहीं हो रहे हैं। और इसमें एक पेयर हमारे पास ब्रीडर है, और जिसके नहीं ये ब्रीडर नहीं है, ये दोनों मेल्स हैं, ये दोनों मेल्स हैं। अगर किसी भाई के पास इसकी कोई फीमेल मौजूद है एक्सचेंज करना चाहता हो, बेहतरीन नॉर्मली इसमें फीमेल ज़्यादा होती हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त दोनों मेल्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरी रेंज में ही फीमेल इस वक्त नहीं है। तो ये दोनों मेल्स हैं, इसका जो पेरेंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके मेरे पास पेरेंट्स भी मौजूद हैं। ये अराउंड 3.5-3 साल के हो गए। ये क्या है, इसके प्राइस वगैरह क्या है? ये 20 लाख रुपए का है। 20 लाख का पेयर है ये, मतलब 10 लाख रुपए का दाना है। मतलब दोनों मेल 20 के? दोनों मेल। सर ये जो गोल्डन किन्योर मैंने आपको अभी पहले दो मेल दिखाए थे, ये उन्हीं के पेरेंट्स हैं। अच्छा। ये ब्रीडर पेयर है पूरा गोल्डन किन्योर का। ये जो ऊपर मेल है जो स्टिक पे बैठी हुई, ये फीमेल है। ये मोल्ड कर रहा है? ये मोल्ड कर रहा है फिलहाल। और नॉर्मली जो गोल्डन किन्योर है इनमें ये बिल्कुल एक नॉर्मल हैबिट है कि जब ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये अपने आप को गोल्डन किन्योर के अंदर पर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर एडल्ट पेयर्स के अंदर तो ये रहता है। ये कंफर्म ब्रीडर पेयर है। कंफर्म ब्रीडर। ये कितने का पेयर? ये 27 लाख रुपए इसकी आस्तीन है हमारी। गुंजाइश वगैरह हो जाएगी इसमें? कोई जेन्युइन बायर होगा तो ज़रूर हो जाएगी। जी सर ये बताइएगा सर, ये वॉयलेट मोंग पैरेट है। अच्छा वॉयलेट मोंग पैरेट। जी हाँ, इसमें हमारे पास एक पेयर है और एक मेल है। एक पेयर और एक मेल। जी सही है। एज कितनी है इनकी? ये तक में 1.5-2 साल के हैं। 1.5-2 साल मतलब पूरी एज है? पूरी एज, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड पेयर है ये। कितने टाइम में होता है रेडी? 18 महीने के बाद होता है। 18 महीने? जी जी। क्या पैसे वगैरह हैं इसके? ये 1,20,000 रुपये का पेयर है।
1,20,000 जी। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए वॉलेट मूंग है, ये भी बहुत रेयर है। इसी के नीचे वाले खाने के अंदर अगर ये भाई आपको दिखाएं तो इसमें येलो मूंग है जो लुटिनो कहलाते हैं हमारे यहाँ, और एक ऑलिव है। ये मूंग के अंदर जो है ना वो ऑलिव कलर है, ग्रे ग्रीन। सही सही ठीक है। तो ये इसके क्या पैसे? ये ऑलिव वाला जो पीस है ये 25,000 रुपये का है, लुटिनो वाला जो पीस है ये 50,000 रुपये का है। तो ये मेल फीमेल है दोनों? नहीं, इनका नॉन डीएनए है ये। नॉन डीएनए जी। जी सर ये बताइएगा सर, ये येलो रिंगनेक के ब्रीडिंग पेयर हैं हमारे पास, टोटल 5 पेयर हैं जिसमें 4 ब्रीडर हैं और एक नॉन ब्रीडर है। ठीक है। ये सारे तो ब्रीडर क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 1,10,000 रुपये का अगर कोई सारे ले लेता है, और अगर कोई कम लेता है तो फिर 1,15,000 रुपये का। सही है, 1,10,000 का अगर सारे ले जाएंगे जी। ठीक है। और जो यंग है मतलब नॉन ब्रीडर है जो, प्राइस सेम ही रखी है, कोई इतना उसमें फ़र्क नहीं है। सर ये बिल्कुल रेडाई है, ये ग्रीन चीक फैमिली में। अच्छा। जो मोस्ट डिमांडिंग आजकल की न्यूज चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम देखे मैंने रेडाई जी। हाँ, ये रेडाई में ग्रीन चीक फैमिली में रेडाई है ये। अच्छा। बेसिकली हमारे यहाँ इसको लुटिनो सनची कहा जाता है। अच्छा। लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो लुटिनो ग्रीन चीक है। ग्रीन चीक सही है। तो ये लुटिनो ग्रीन चीक की न्यूज है, इसमें 3 मेल्स हैं स्प्लिट्स के, और 3 जो है हमारे पास, मतलब 3 मेल तो स्प्लिट नहीं है, ये 3 पेयर हैं। इसमें विजुअल इनटू स्प्लिट के 3 पेयर हैं। ये 3 पेयर मतलब एक स्प्लिट का पीस है, एक और एक विजुअल है और एक विजुअल है। अच्छा, ये दोनों मतलब अगर विजुअल लगाएं तो सर्वाइविंग रेशो कम होता है? सर्वाइविंग नहीं होता, किनियोर्स का आम बर्ड बहुत महंगा हो जाता है। ये इटसेल्फ अभी इसी बेसिकली दुनिया में बहुत कम है अभी, ये इतने ज़्यादा ये प्रोड्यूस अभी नहीं हुए हैं। बहरहाल ये नया एक बर्ड जो है इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले चंद सालों में, अभी हमारे यहाँ यूरोप में कुछ प्रोड्यूस हुआ है ये। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की ब्रीड है वैसे तो। अच्छा, मैंने आज से कोई 3 साल पहले लगाए थे घर, जिस वक्त लोगों को आइडिया भी नहीं था इन चीज़ों का। आजकल इसकी गुड्डी बहुत तेज़ है, लेकिन ये मैंने अपने घर पे लगाए थे, घर की होम ब्रीड है ये। ये 12 लाख रुपये का पेयर है विजुअल इंटू स्प्लिट का। 12 लाख जी। विजुअल पीस कितने का है इसका? असल में कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर अलग से लेना चाहें तो शायद वो एक पीस कुछ कम का हो कुछ ज़्यादा का हो, लेकिन ये अवेलेबल है नहीं, इसका कोई बेसिकली रेट नहीं है। सही पूछे ना, अब मैं कह रहा हूँ 12 लाख रुपये का, हो सकता है कोई इसको 6 लाख का काउंट करे, कोई इसको 16 लाख का काउंट करे, ये हर बंदे का अपना एक वो होता है कि वो किस चीज़ को अपना रेट है, अपना रेट है इसका, इसका कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है। तो ये अभी पट्टे हैं, छोटे हैं, ये यंग हैं, ये तकरीबन 5-5 महीने के हैं ये। ये बड़े हो गए तो मतलब ये इनका कलर डार्क हो जाएगा, ये कलर भी डार्क हो जाएगा, इनमें फिनिशिंग और मजीद आ जाएगी। ये कब तक ये ब्रीड करेंगे? कितना ये एक करेंगे? एक साल की एज में ब्रीड कर जाता है। अच्छा, एक साल में ये एक साल में ब्रीड कर जाता है। तो इनका मतलब सेम रहता है या गिर जाता है? असल में इसका अभी तो बहुत लंबा गेम है। अच्छा। उसका काम अभी शुरू हुआ है हमारे, अभी तो स्टार्ट हुआ है म्यूटेशन का। हमारे एक बहुत बड़ी में हमने बड़े परिंदे देखे जिनका रेट काफ़ी ऊपर था फिर नीचे आया। नहीं, बड़े परिंदों में मुझे आपको एक परिंदा बताया है, बड़े परिंदों में कोई भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसका रेट नीचे आया हो। अच्छा। एक मदर बींग किसी चीज़ में पॉज आ जाए वो एक और बात है। सही। जैसे इस वक्त ग्रे का पहले 2.5-2.5 लाख रुपये का जोड़ा बिक रहा था, लेकिन आज नहीं बिक रहा, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आके खड़ा हो गया अराउंड 2-2.5 लाख रुपये के दरमियान। सही। कभी 2 लाख का भेज देता है, लेकिन अराउंड इसका रेट इस वक्त यहाँ आके खड़ा हो गया। लेकिन एक टाइम तक तो शायद किसी टाइम आप कहेंगे ये एक पॉज है, लेकिन बड़ा परिंदा हमेशा अपनी जगह दोबारा वापस ले लेता है। और जहाँ तक बात ग्रीन चीक फैमिली की है तो ये अभी हर जगह महंगा है, और इसकी गेम अभी, मैं हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो अच्छे तादाद में अच्छे लवबर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जेंट्री किनियों की म्यूटेशन की तरफ मूव हो रही है और हो चुकी है। अच्छा। और एक बहरहाल एक अकलमंदी का तकाजा भी है कि डोंट इन्वेस्ट ऑल द थिंग इन अ सिंगल बास्केट, तो वो उसको जो है ना अपने ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन यूज़ किया है, बाद लोग यूज़ अभी कर रहे हैं, बाद लोग इसकी तरफ सोच रहे हैं। एक अच्छा गेम है ये, बहरहाल अभी एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें वॉयलेट भी आ चुके हैं, इसके अंदर पाइट्स भी आ चुके हैं, इसके अंदर क्रिमिनोज भी आ चुके हैं, तो वो और महंगे हैं कुछ क्रिमिनो वगैरह इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम जो लोग आज बहुत सारे लोग आके पूछते हैं हमसे कि यार हम किस चीज़ में अब फ्यूचर के लिए किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, तो चीज़ें बहुत सारी हैं,
जो बंदा एक अफोर्ड कर सकता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट उसके पास है, तो हम उसको आज यही मशवरा देते हैं एक इनियोर की तरफ चलता हूँ। एक अच्छे पैसे भी कमा लोगे, कल को किसी दर्जे कोई रिसेशन आ भी गया तो भी आप इतने बड़े प्रॉफिट पे होगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। जी अमिताभ भाई ये बताइए, ये डबल फैक्टर वॉलेट के पेयर्स हैं रिंगनेक के, ये जेनवन जिसको डबल फैक्टर कहते हैं ना, प्योर डबल फैक्टर, और ये हॉलैंड बैंडेड हैं, सब क्लोज रिंग हैं, हॉलैंड के बर्ड हैं सारे, और बहुत खूबसूरत पेयर हैं। ये माजी इंपोर्टेड है, असल में अभी मुझे इनकी ये सारी डिटेल तो नहीं पता कि ये इनके पेरेंट्स भी बाहर से इंपोर्टेड थे या नहीं, मगर ये सारे जो माजी में बाहर से ही आए हैं और ये हॉलैंड के बर्ड थे, इनको रिंग्स हॉलैंड के ही डले हुए हैं। अच्छा अच्छा जी जी जी, ये बाहर के रिंग बर्ड है पुराने, और ये भी सारे बिल्कुल नए जवान हुए हुए जुड़े हैं। ये माजी में जहाँ आप तो काफ़ी टाइम हो गया, इम्पोर्ट बंद है, लेकिन ये बिल्कुल अब नए जवान हुए हुए जुड़े हैं, तकरीबन कोई 3 साल का है, कोई 2.5 साल का है, कोई 2 साल का है, इस तरह पेयर हैं, अलग का पेयर है। ये क्वालिटी के पैसे हैं असल में, नॉर्मल जो हमारा वॉलेट का जोड़ा है वो 3.75 लाख रुपए का है, लेकिन ये उससे बहुत ऊपर की क्वालिटी के। ये असल में जो रेल डबल फैक्टर होता है ना हॉलैंड का, ये वो है। ये सर ये बताइए, सर ये ब्लू अलेक्जेंड्राइन की फीमेल है 3 साल की, और 5 साल का मेल है, इसमें ये ब्रीडर मेल है। ब्लू अलेक्जेंड्राइन की फीमेल है और इसका जो मेल है वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू का ब्रीडर मेल है। अच्छा, जी है। ये लोकल ब्रीड है दोनों, बड़े हैं सारे दोनों। ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है फीमेल। अच्छा। और मेल जो है वो दूसरी फीमेल के साथ ब्रीड कर चुका है, तो इस साल भी ब्रीड किया उसने, बर्ड जो है बच्चे निकाले मेल ने। फीमेल जो है ये अराउंड 3 साल से 3 साल के दरमियान है, ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड, रेडी टू ब्रीड बिल्कुल ओके टोके का पेयर है। ये वो जोड़ा है, ये 36 की आस्किंग है हमारी जी। जैसे कोई कस्टमर आएगा जेन्युइन तो हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह है, कोई होगा तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। सर ये इसमें पाइड लोरी की एक फीमेल है हमारे पास। अच्छा, पाइड लोरी। जी हाँ, ये जी हाँ, ये रेम्बो पाइड लोरी की फीमेल है हमारे पास एक, और ऑलिव का मेल है, ये स्प्लिट नहीं है, ये नॉर्मल ऑलिव का मेल है। स्प्लिट प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने इसके साथ पेयर अप किया हुआ है, लेकिन कोई फीमेल लेना चाहे तो फीमेल भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ये 12 लाख रुपये का पेयर है। 12 लाख का पेयर जी हाँ, पूरा पेयर मतलब एक नॉर्मल और एक, ये एक ही पैसे हैं। अगर आज हम बाहर से इंपोर्ट करवाने की कोशिश करें तो अराउंड 15 लाख रुपए का पीस कॉस्ट कर जाएगा। अच्छा। जी अच्छा जी, सर ये बताएं, सर ये ग्रे पैरेट्स, ये ग्रे पैरेट्स के बिल्कुल बड़े पेयर हैं, रेडी टू ब्रीड फुल बड़े रेडी टू ब्रीड पेयर हैं, बहुत खूबसूरत साफ सुथरे हर एतबार से, नेल टेल सब बराबर है, बिल्कुल ओके पेयर है, बिल्कुल ओके बॉन्डेड पेयर है। और ये सारे मेल जो है ना वो वाइल्ड कॉटेड हैं, इसके पुराने वैसे क्वारंटाइन है, पुराने हैं लेकिन हैं वाइल्ड कॉटेड ही, तो वो जो एक इशू आता है नॉर्मली ग्रे और पहाड़ी के अंदर जो इनफर्टिलिटी का, वो इंशाल्लाह इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या पैसे वगैरह है? ये 1,75,000 रुपये का पेयर है। 1,75,000 जी हाँ। तो ये पहले ब्रीड कर चुका है या फर्स्ट ब्रीड करेगा? नहीं, ये फर्स्ट ब्रीड करेगा। एज कितनी है? ये हो गए होंगे तकरीबन 5-5 साल के। 5 साल ओके एज है बिल्कुल ब्रीड। देखिए 4 साल से ऊपर का ग्रे पैरेट होना चाहिए फिर वो ब्रीड करता है। इसमें कुछ मेल तो बड़े हैं, 7-7 साल के भी होंगे। हमारे पास इसके तकरीबन 4 से 5 पेयर हैं। एक पेयर हमारे पास ये है, एक पेयर इसके बराबर में है। अच्छा सही है, ये भी एक पेयर है, ठीक है, और इसके बराबर में भी है। कितने पेयर हैं टोटल आपके पास? ये हमारे पास 5 पेयर हैं। सबके एक सेम रेट है? सबका सेम रेट है, सब सेम क्वालिटी के हैं, सबकी तकरीबन सेम एज है। जी सर ये बताएं, सर ये प्लम हेड की म्यूटेशन है, ये प्लम हेड की म्यूटेशन है, येलो आते थे इसमें, अब इसमें और ऊपर की म्यूटेशन है। ये ग्रे ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है इसमें,
और ग्रे ऑफलाइन की फीमेल है जी। ये बहुत बहुत खूबसूरत बर्ड है। यूविंग है? ये यूविंग नहीं है, बेसिकली इसमें ऑफलाइन इसी तरह का होता है। ये ऑफलाइन की मादा है, ग्रे ऑफलाइन की मादा है और ग्रे ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की जो है ना वो नर है। ये क्या कितने का है? ये 22 लाख रुपये का। नहीं सब में म्यूटेशन है, म्यूटेशन सब में हम लोग पाकिस्तान में असल में ये सारी चीज़ें भी डेवलप नहीं हुई हैं, वरना बर्ड अभी जो हाइब्रिड बनाए हैं लोगों ने और उसके बाद जो जनरेशन पर काम हुआ है जो म्यूटेशन जेनुइन डेवलप हो गई हैं, तो लुटिनो मकाओ और स्कारलेट लुटिनो और ये सब चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। वो वाइट ग्रे पैरेट भी आ रहा है वो बहुत, हाँ ये आ रहे हैं, करोड़ों रुपये का बर्ड है, एक एक बर्ड करोड़ों रुपये का है। पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में लोग उम्मीद तौर पर बाई नहीं करते हैं। करोड़ों रुपए का बर्ड नॉर्मल ये रेंज तक चलते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें अब जो है ना अपडेट हो रही हैं। जी सर ये बताइएगा सर, ये ऑरेंज विंग अमेज़ोन का बॉन्डेड पेयर है। अच्छा, ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड पेयर है, ऑरेंज विंग अमेज़ोन। तो ये एज क्या है इसकी? ये अराउंड होगा 6 साल के 7 साल का। 6-7 साल का। तो ये फर्स्ट ब्रीड करेगा अभी? ये फर्स्ट ब्रीड करेगा, बाउंड्री में लगा हुआ जोड़ा है, लगा हुआ जोड़ा है डीएनए के साथ। क्या पैसे मांग रहे हैं? ये 80,000 रुपये का है, सस्ता होता है अमेज़न। अच्छा, अरे ये सस्ता है 80,000 का, और अमेज़न तो महंगे होते हैं। अमेज़न महंगे होते हैं। तो ये कोई खास स्पेसिफिक मतलब ये क्या जेनेटिक है उसकी? नहीं असल में ये 8 साल की अमेज़न शुरू से सस्ता ही रहा है। अच्छा। ये अभी भी 80,000 को पहुँच गया, वरना माज में तो मैंने 30-35 हज़ार रुपये के बेचे हैं आज से 8-10 साल पहले। और ये जी सर ये बताइएगा सर, ये डर्बियन पैरेट का एक पेयर है, रेडी टू ब्रीड पेयर है ये पूरा, और इसके अंदर एक फीमेल हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद है, डर्बियन पैरेट। जी हाँ, एक पेयर है और एक एक्स्ट्रा फीमेल जी। एक ये पेयर कितने का है? ये 1,60,000 रुपये का पेयर है। अच्छा, और 80,000 रुपये की फीमेल है। 1,60,000। एज कितनी है इसकी? ये मेरा ख्याल है 2019 का रिंग बैंड है, क्लोज बैंडेड रिंग है इसका, साउथ करेंगे इसको, कल 2019 का है। बड़ा हो गया, ब्रीड के लायक है ये? 2 साल में बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं? जी जी, 2 से 2.5 साल में बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक एक जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि भाई छोटे परिंदों में कि ब्रीडर पेयर जो है वो ना लिया जाए तो वो बेहतर है, मतलब ब्रीडर पेयर, क्योंकि वो एक जगह से ब्रीड करता हुआ है दूसरी जगह सेट नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट ब्रीड वाला लें वो ज़्यादा बेहतर है, तो इसमें है क्या बड़े परिंदों में? नहीं देखें, इस तरह नहीं है, जो ब्रीडर पेयर अगर जेन्युइन ब्रीडर पेयर होगा, अगर वो एक सीज़न किसी के पास नहीं भी चला ना तो सेकंड सीज़न में वो लाजिम चल जाएगा। नहीं। इस तरह हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एजड पेयर हो गया है, लेट सपोज जैसे उसकी फिर हम कुछ बात नहीं कर सकते, अब एक बर्ड ही जिसकी एज ही वो 25 साल हो गई है, तो उसमें जो चांस ऑफ ब्रीड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर चाहे वो पहले बंदे के पास हो या जो बाद में ले उसके पास हो, वो दोनों में कंडीशन सेम ही होती है। कोई फर्क नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता, बट्टों में बड़ों में पता चल जाएगा, वैसे नहीं पता चलेगा। जी अमरा भाई, ये अमेज़ॉन है सर? ये अमेज़ॉन है, ये येलो क्राउन अमेज़ॉन है। अच्छा, येलो क्राउन जी। ये बड़ा पेयर है, ब्रीडर है? नहीं, ये ना बॉन्डेड है ना ब्रीडर है, ये जस्ट दो पीस है, और विजुअली या तो ये दोनों मेल है या ये दोनों फीमेल है, हमें इसका डीएनए नहीं है हमारे पास, लेकिन बहरहाल मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि शायद सेम जेंडर हो, शायद पेयर हो, लेकिन बहरहाल डीएनए नहीं है इसका, लेकिन ये फुल बड़े पेयर है, बिल्कुल फुल बड़े रेट। ये 70,000 रुपये का पीस है। अच्छा जी, 1,40,000 का पेयर जी। गुंजाइश वगैरह है इसके अंदर? बहुत मामूली सी। जी सर बताइएगा सर, ये हमारे पास पेयर हैं, इसके अंदर 3-4 पेयर हैं अल्बिनो रिंगनेक्स के। अच्छा, इसमें 4 में से 3 ब्रीडर हैं और 1 नॉन ब्रीडर है, और इसमें 2 फीमेल्स हैं हमारे पास ग्रीन क्लियर हेड फेलो की। अच्छा। और एक पूरा पेयर है जो रिसेसिव पाइट में है, ग्रे रिसेसिव पाइट का मेल है और ग्रीन स्प्लिट ब्लू रिसेसिव पाइट की फीमेल है, और एक येलो का पेयर भी इसमें है, लेकिन बहरहाल वो येलो वाला पेयर, ये वाला जो है वो माजरत, ये पहले बता दूँ, ये इनफर्टाइल है, ये इनफर्टाइल पेयर है ये वाला। तो
क्या हिसाब किताब इनका है, अलग अलग रेट बताएंगे? येलो का जो पेयर है ये 75,000 रुपये का ब्रीडर, जो रिसेसिफाइड का पेयर है ये 1,30,000 रुपये का है, और जो हमारे पास क्लियर हेड फेलो की दो फीमेल हैं ग्रीन में, ये 40,000 रुपये की मिल जाएंगी, और जो येलो वाला इनफर्टाइल पेयर है ये वाला जोड़ा 80,000 रुपये का मिल जाएगा। ये किस काम आएगा इनफर्टाइल पेयर? असल में किसी काम आएगा या नहीं आएगा मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं बता कर दूंगा, जिसका मुझे पता नहीं होगा उसका तो मैं खामोश रह सकता हूँ भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका पता है वो मैं बहरहाल खुद बता रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि आपने बता दिया कि इनफर्टाइल है। अच्छा, ये एज कितनी है इनकी? ये तकरीबन 6-6 महीने के हैं। 6-6 महीने के, क्या हिसाब किताब इनका? सर ये 25,000 रुपये का पीस है। अच्छा, 25,000 का पीस है जी। 6-6 महीने के हैं और अभी जेंडर कंफर्म नहीं? जेंडर कंफर्म नहीं। भाई ये बताइएगा ये लॉरी कौन से? सर ये रैम्बो लॉरी है। अच्छा, जो हमारी जो बड़े साइज़ वाली जो रैम्बो आती है, रैम्बो भी दो किस्म की आती है, ये जो बड़े साइज़ की रैम्बो होती है ये रैम्बो लॉरी है इंडोनेशिया वाली। अच्छा जी, ये लोकल के कैप्टिव बर्ड्स हैं, इंडोनेशिया के जो माजी में ब्रीड हुए हैं बर्ड यहाँ आके, ये वो बर्ड हैं, और इसमें एक पेयर है और एक मेल है। क्या हिसाब किताब है इनका? ये 65,000 रुपये का पेयर है। 65,000 का पेयर जी। जी सर ये काकाटू है? जी सर ये काकाटू है, ये मेजर मिचेल काकाटू है। अच्छा, मेजर मिचेल? जी मेजर मिचेल। मेजर मिचेल माशाल्लाह बेहतरीन, इसका क्राउन है ज़बरदस्त क्राउन है। क्या है, मेल है ये? ये मेल है। अच्छा, बड़ा मेल है ये? बड़ा मेल है, तकरीबन कोई 8 साल का। अच्छा, ये ब्रीडर मेल है, असल में यूरोप से आया हुआ ये भी। अच्छा, ये माजी में यूरोप से आया था तकरीबन आज से भी 2 साल पहले। तो ये क्या वहाँ का रिंग बर्ड है, लोकल है? नहीं नहीं वहाँ का रिंग बर्ड है, यूरोप के रिंग बर्ड है। क्या पैसे मांगने थे? ये 8.5 लाख रुपए फाइनल मिल जाएगा मेल। 8.5 लाख जी। सही है। अच्छा, ये ऐसी फीमेल के साथ लगेगा या? बिल्कुल सेम फीमेल होती है, बिल्कुल सेम फीमेल के साथ आप लगाना है, हाइब्रिड बना लेंगे तो किसी के साथ भी लगा दें। अच्छा। लेकिन एक्चुअली जो इसकी फीमेल होती है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है, ये एक ब्रीडर पेयर आया था, अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में जो है ना इसकी फीमेल ज़ाया हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये मेल आज तक जो है बेचारा अकेला ही घूम रहा है। जी सर ये बताइएगा। सर ये अमेजोन है, ब्लू फ्रंटेड अमेजोन है। अच्छा, ब्लू फ्रंटेड जी, ब्लू फ्रंटेड, ये बहुत अच्छे पैचेस में है, असल में इसमें पैचेस का सिलसिला होता है, मार्किंग वगैरह देखी जाती है इसके अंदर ना, तो इसके येलो पैचेस वगैरह बहुत खूबसूरत है, और बिल्कुल बड़ा पेयर है, 2017 का या 18 का आई गेस रिंग बैंड है ये। इसके क्या प्राइस वगैरह? ये 3 लाख रुपये का मिल जाएगा जोड़ा। 3 लाख जी। बॉन्डेड पेयर है ये। बाउंडेड पेयर है, 3 लाख का है, और एज पूरी है इसकी? एज पूरी है, 2017 का है ये, तो 5 से 6 साल का हो गया ये। ब्लर हो गया। जी सर ये बताइए। सर ये ब्लू फ्रंटेड अमेजोन का पेयर है, बड़ा पेयर है। अच्छा। और रेडी टू ब्रीड पेयर है ये बिल्कुल, और बहुत अच्छे पैचेस में और साइज़ में हर एतबार से नेल टेल फ्लाइंग सब बराबर है इसकी। ठीक है। अच्छा, बाउंडेड पेयर है। तो क्या पैसे वगैरह रखे? ये 3 लाख रुपए में मिल जाएगा। 3 लाख में, मतलब ये इसके लिए कितना बड़ा कैच चाहिए ब्रीड के लिए? कम से कम 4 फीट का हो, वैसे प्रेफरेबल जो होता है वो इससे बड़ा होता है। कम से कम 4x4 का, 4x3 हो। अच्छा, मतलब ये है कि लंबाई में 4 हो, किसी भी एक साइड जो लंबाई चौड़ाई का नहीं इशू होता, कि लंबाई कोई भी एक साइड कम से कम 4 हो। जी सर ये बताइएगा ये कौन सा बर्ड है? सर ये रोज़ बुर्की है। अच्छा, रोज़ बुर्की जी, रोज़ बुर्की है ये सब लोकल के बर्ड्स हैं, और इसके अंदर एक आध पीस रोबिनो का भी है, एक आध पीस शायद लुटिनो का भी हो। अच्छा, क्या हिसाब किताब इनका? ये 18,000 रुपये का पेयर है, नॉन डी एन है ये। 18,000 का पेयर, नॉन डी एन जी। रोज़ बुर्की जी। जी सर ये बताइए। सर ये ग्रीन चीक पैरट्स हैं, ग्रीन चीक किनियोर जो हमने आपको बताए थे, ये इसके अंदर पाइनएप्पल किनियोर्स हैं, येलो साइडेड किनियोर हैं, और सारे अच्छे कलर्स में, रेड फैक्टर्स में भी हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स में रेड फैक्टर ही है ना, और ये सब डीएनए के साथ हैं, ये मोस्ट कमर्शियल किनियोर्स हैं अब,
और मतलब जो लोग इस वक्त लवबर्ड्स पाल रहे हैं तो जो अल्बाइनो तक जा चुके हैं ना, अल्बाइनो हो गया क्रिमिनो, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब इस किनियोर को डाल रही है क्योंकि ये बहुत सेफ है। बिल्कुल यही डाल रहा है क्योंकि ये बिल्कुल एक कमर्शियल भी है और ये अब इस पोजीशन में आ गया पाकिस्तान में कि एक बिल्कुल कमर्शियल आइटम बन चुका है। आज हम बाहर से मंगवाएंगे तो हमें शायद 40-45 हज़ार रुपये का पड़ेगा और लोकली हम इसको इस वक्त मैं इसको 28 हज़ार रुपये पर पेयर फाइनल में DNA पेपर्स के साथ दे रहा हूँ। इसमें येलो साइडेड और पाइनएप्पल जो है वो मिक्स में होंगे। बाहर मार्केट है अगर हम इसको भेजें तो असल में हमें यहाँ से अगर साइटस मिल जाता है जो कि कोशिशों में लगे हुए इंशाल्लाह साइटस मिल जाएगा तो फिर तो ये हम बाहर भी भेज सकेंगे। अंदर जा सकते हो, बना लो, कोई टेंशन नहीं। जी अहमदा भाई ये बताइएगा सर, ये वॉज मेरी इलेक्ट्रस का पेयर है। जी एक नॉर्मल इलेक्ट्रस होता है, ये वॉज मेरी है। ये बहुत एक तो इसका साइज़ बड़ा होता है, दूसरा इसकी जो टेल होती है फीमेल की वो येलो टेल होती है। हमारे यहाँ इसको येलो टेल इलेक्ट्रस के नाम से भी जाना जाता है लेकिन ये बेसिकली वॉज मेरी है। जेनेटिकली जो नाम है इसका वो वॉज मेरी इलेक्ट्रस है। इसके दो पेयर्स मौजूद हैं और ये बिल्कुल ऐसे पेयर हैं कि मेरा ख्याल है जो भी ले अपने एक सेव हैंड पे, जो सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो कम से कम आगे ये 10 साल की छुट्टी है उसकी। ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे, ये पिछले साल इम्पोर्ट हुए थे और यहाँ पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा ब्रीड करेंगे ये। जी क्या हिसाब किताब है? ये 7.5 लाख रुपये का पेयर है। 7.5 लाख जी बड़ा पेयर है, ये फुल बड़ा पेयर है, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड पेयर है, बहुत खूबसूरत नीट क्लीन। ये इसका साइज मतलब लंबाई में बड़ा है? जी हाँ जी हाँ, ये बड़ा होता है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रस से बड़ा है। नॉर्मल इलेक्ट्रस की भी दो पेयर मौजूद है, वो भी दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रस बहुत चौड़ा है, ये थोड़ा लंबाई में बड़ा है। नहीं चौड़ाई में भी उतना ही होगा लेकिन लंबाई में ज़्यादा होगा। जी साइज बड़ा है। जी अहमदा भाई ये बताइएगा, ये इलेक्ट्रस है? ये ग्रैंड इलेक्ट्रस है। ये ग्रैंड इलेक्ट्रस की फीमेल है कैप्टिव के, और जो मेल है वो पीछे आपने देखा है, वो पीछे जाके दीवार पे चिपका हुआ है इस वक्त। ये बड़ा पेयर है? ये बड़ा पेयर है, माउंटेड है। जी जी क्या पैसे मांग रहे हैं? ये 3,25,000 रुपये का पेयर मिलेगा। 3,25,000 का? जी हाँ, 3,25,000 का पेयर है, बाउंडेड पेयर है, बड़ा बाउंडेड पेयर है, बड़ा। तो गुंजाइश वगैरह है इसमें थोड़ी बहुत? मेरे पास दो पेयर हैं, अगर कोई दोनों ले लेगा तो फिर ज़रूर कर लेंगे कुछ ना कुछ। जी सर ये काकाटू है? सर ये बिल्कुल काकाटू है, ये मीडियम सल्फर काकाटू है, ये बड़ा पेयर है मीडियम सल्फर का। जी बड़ा ब्रीडर पेयर? असल में ब्रीडर का मैं नहीं बोल सकता, वजह उसकी ये कि सही बात ये है कि मैंने मेल कहीं से लिया हुआ, फीमेल कहीं से ली हुई, फिर उसको बॉन्ड किया, तो अब ये बॉन्डेड तो हो चुका है, बॉन्ड तो हो गया, लेकिन बहरहाल मैं ब्रीडर उसको इतने नहीं बोल सकता कि अब मैंने कोई देखा हुआ नहीं है ना पीछे से जहाँ से कोई हिस्ट्री मेरे पास हो। क्या पैसे? ये 4 लाख रुपये का पेयर मिलेगा। 4 लाख? जी ये इसके मेरे पास दो पेयर हैं, एक जो है वो 3,70,000 रुपये का मिल जाएगा, उसकी कुछ कलियाँ कमती मैंने कही हैं, वो नई कलियाँ आ रही हैं इसी तरह। ये तकरीबन पूरा इसकी भी कैची थी लेकिन ये तकरीबन अब बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बराबर में भी है? ये बराबर में, ये मेल है एक, ये ब्रीडर मेल है एक, इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई थी, ये ब्रीडर मेल है, इसका एक नेल मिसिंग है लेकिन ये ब्रीडर मेल है मीडियम सल्फर काकाटू का। उससे फ़र्क पड़ता है? असल में सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक थोड़ा सा ये है कि वो थोड़े से पैसे कम हो जाते हैं, लेकिन ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 1% का भी कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, ये इतना मिसकंसेप्शन है लोगों की कि नाखून कम होगा तो वो ब्रीड नहीं करेगा, अरे अनफर्टाइल होगा। नहीं ये गलत है, वो उसने नाखून से थोड़ी मेट करना है। ये कौन सा है भाई? ये भी मीडियम सल्फर का एक पेयर है। अच्छा। मैंने आपको बताया था कि ये वाला पेयर जो है इसकी फीमेल की कुछ कलियाँ मैंने खींची थी, वो नई आ गई हैं तकरीबन, लेकिन बहरहाल और बिल्कुल रेड आइज में इसकी फीमेल है, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड पेयर है। क्या पैसा है इसके? ये 3,70,000 रुपये का मिल जाएगा। 3,70,000।
अच्छा, ये बड़े साइज़ का है? ये टाइट्रॉन को काटे हुए बेसिकली, ये काफ़ी बहुत बड़े साइज़ में, ये बिल्कुल जस्ट लाइक ग्रेटर सल्फर का साइज़ है, लेकिन ये बेसिकली है टाइट्रॉन। ये एक ब्रीडर मेल है, कन्फर्म फर्टाइल बच्चे निकालता हुआ ब्रीडर मेल है। क्या एज क्या है इसकी? ये अराउंड होगा 8 से 10 साल का। मतलब फीमेल कौन सी इसके साथ लगानी चाहिए? टाइट्रॉन की लगाई जाए, प्रेफरेबल तो यही है टाइट्रॉन लगा जाए, इनकेस ना हो तो मीडियम लगा लें, आप अम्ब्रेला लगा लें, हाइब्रिड बना लें। अच्छा, इसका बच्चा कितने का जा रहा है? अच्छा, टाइट्रॉन का सेल बच्चा तकरीबन कोई 2.25 से की कहानी है। 2.25 लाख जी सेल। सेल ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जी हमजा भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बताएं। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है 0345-3132-978 और यही एक नंबर है जिस पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि टाइमिंग का ख्याल कीजिएगा, बहुत सारे दोस्त जो है ना वो टाइमिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, वो रात को 12-12 बजे कॉल कर रहे होते हैं, और अब बालत मजबूरी हम कहते हैं यार आप कॉल आ गई पिक कर लो, उनको कहते हैं यार आप कल रब्ता कर लें, तो कहते हैं यार आप हमने कॉल उठा ली तो बात तो कर लें। अरे भाई टाइम देखो थोड़ा सा, तो कोशिश करें कि 10 बजे से पहले पहले कॉल करें, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉल करें। इसके दरमियान अगर इसके अलावा कोई बात हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, जैसे ही मैं सुबह उठ के वो आपका वॉइस नोट सुनूंगा तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ। तो आपका एड्रेस? मैं गुलबर्ग में होते हैं, गुलबर्ग ब्लॉक 12 नियर जामा मस्जिद गुलबर्ग। तो ओके व्यूअर्स, चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सोलोमेटी को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, फिर हमारे लिए।